हालचाल है, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह आपको खुश रखे। जो मैं रेसिपी आज शेयर करने जा रही हूँ वो है बकरे के पाए और गाय की दुम। ये मैं दोनों इकट्ठे बनाऊंगी। पाए की रेसिपी तो वैसे आपके पास है, लेकिन ये दोनों मिलके बहुत मज़े का सालन बनता है, बहुत मज़े के पाए बनते हैं। ईद ईद स्पेशल में ये मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो चले हम बनाते हैं ये काउ टेल और पाए। देखिए व्यूअर्स, मैंने 400 ग्राम ऑयल लिया है और इसमें एक टेबल स्पून अदरक की पेस्ट, एक टेबल स्पून लहसुन की पेस्ट डाल के इसे मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया। और दो मीडियम साइज के प्याज मैंने हल्के से ब्राउन करके इन्हें ग्राइंड कर लिया। इसमें कोई दही और टमाटर नहीं जाएंगे। अच्छा अभी बस देखें, मैंने प्याज भी शामिल कर दिया इसमें। अब इसमें जाएंगे 2 टेबलस्पून पीसी सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून पीसा गरम मसाला होममेड जिसमें आपने चीज़ें डाली हो, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी। और 1 पैकेट पाया मसाला, चाहे नेशनल का जो आप जो कंपनी आपके पास हो, बस एक पाए का मसाला, इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है। अब आपने थोड़ा सा बस हल्का सा ही भूनना है क्योंकि इसने पकना है, इसने दोबारा भी इसकी बुनाई होनी है। अब आपने इसमें पाए शामिल करने हैं। ये देखिए, और इसे पानी डाल के आपने कम से कम 4-5 ग्लास पानी डालना है। ये थोड़े मीडियम से फिर ये गल जाएंगे, तो फिर आपने इसमें तेल शामिल करनी है क्योंकि गोश्त जल्दी गल जाएगा, उनके पाए ज़रा टाइम लेंगे। ये जब थोड़े से हल्के से ही गलेंगे फिर मैं तेल शामिल कर दूँगी इसमें। ये देखिए, आपने इसमें इस तरह पानी शामिल कर देना। रेसिपी इजी है, बस ज़रा टाइम 2-3 घंटे में ये तैयार होगी, ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। चलें व्यूअर्स, साथ साथ मैं आपसे शेयर करती हूँ। ये अभी अभी पक रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, पाए हल्के से गल चुके हैं, अब आप इसमें काउ टेल शामिल करेंगे। ये देखिए इसकी बोटी किस कदर अच्छी, और इसका गोश्त तो बहुत मज़ेदार है। अब इसे भी साथ ही पकने दें, तो फिर बाद में शेयर करें। देखिए व्यूअर्स, इसका पानी ड्राई हो चुका है और मैंने अच्छी तरह मसाला भून लिया है। अब आप इसमें 4-5 गिलास पानी शामिल करें और इसे हल्की आंच पे, जब तक ये अच्छी तरह गल नहीं जाते, आप इन्हें पकने के लिए रख दें। हाफ ये कुक हो चुके हैं, बस आपने इसमें पानी डालना है 4-5 गिलास और इसे हल्की आँच पर, यानी कि लो से थोड़ा सा मीडियम के दरमियान वाली आंच रखें और इसे पकने दें। जब ये बिल्कुल गल जाए तो आपने नमक टेस्ट करना है, तो इसे आपने बिल्कुल उसी तरह गलाना है। चले मैं डाल के रखती हूँ, एंड पे मैं फिर आपसे ये रेसिपी शेयर करती हूँ। देखें व्यूअर्स, बहुत अच्छे से पाए और गोश्त गल चुके हैं, आप देख रहे हैं। अब जितना आपने शोरबा रखना है उतना रखें और इसका नमक ज़रूर टेस्ट करें। मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। देखें व्यूअर्स, कितने मज़े का ये बों का सालन, सॉरी ये टेल का सालन और पाए का तैयार हुआ है। आप लोग भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़।